नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के पहले आईपीएस अधिकारी कौन थे? इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारत के पहले आईपीएस अफसर के बारे में पूरी जानकारी। भारत के पहले आईपीएस अधिकारी सीवी नरसिम्हम थे। दोस्तों, आज हम उनको उनकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनना देश के लाखों युवाओं का ख्वाब है। हम सब भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी का नाम जनरल नॉलेज सवाल के तौर पर याद करते रहते हैं। लेकिन क्या पता है कि भारत का पहला आईपीएस अधिकारी कौन था? तो आज हम लोग इसी शख्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि भारत के पहले आईपीएस अधिकारी सीवी नरसिम्हम थे। पूरा नाम चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हम था। उन्होंने 1948 में आईपीएस का पहला बैच टॉप किया था। 21 मई 1915 में तमिलनाडु के मद्रास में जन्मे सीवी नरसिम्हम का अहम योगदान भारतीय पुलिस सेवा ही नहीं, समाज और संस्कृति में भी रहा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आईपीएस सीवी नरसिम्हम की शैक्षिक यात्रा तिरुचि के सेंट जोसेफ स्कूल से शुरू हुई थी। इसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल। दोस्तों, आपको बता दें कि सीवी नरसिम्हम इंडियन सिविल सर्विस में साल 1937 में शामिल हुए थे। इसके बाद उन्होंने मद्रास सरकार के विकास विभाग में उप सचिव पर काम किया। इसके अलावा ब्रिटिश भारत की सरकार में कई अन्य पदों पर भी नियुक्त हुए। साल 1946 में ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। दोस्तों, आपको बता दें कि सीवी नरसिम्हम साल 1948 में स्वतंत्र भारत का पहला आईपीएस बैच प्राप्त किया। एक पुलिस अधिकारी के साथ उनकी पहचान एक बुद्धिजीवी और कर्नाटक संगीत विशेषज्ञ की रही। उन्होंने 1968 में महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। सीवी नरसिम्हम की लीडरशिप पुलिस सेवा से आगे कई अन्य फिल्में भी देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने तमिलनाडु पुलिस बल में सीनियर पद के साथ भारत सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। सीबीआई निदेशक से लेकर राष्ट्रीय पुलिस आयोग के सदस्य सचिव के रूप में भी काम किया। उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने साल 2001 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित भी किया। दोस्तों, ये रही अब तक की पूरी अपडेट। वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी सुझाव के लिए आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, और अगर जहाँ तक हो सके वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, जिससे हो सकता है कि थोड़ा सा उनको नॉलेज मिल जाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।